तो आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसके कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 6 में ये इंटरवल्स में लिखना है, सर्कुलर फॉर्म में दिए गए और इनकी इंटरवल फॉर्म बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट में ये दिया गया हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स रियल नंबर है और -4 से बड़े वो रियल नंबर्स और 6 से 6 से लेस है, लेस देन आर इक्वल टू 6। इसके इंटरवल्स में लिखना, तो इसके इंटरवल क्या आएगा? हमने सीधा क्या करना है, यहाँ -4 से ग्रेटर है और 6 से 6 से लेस है, ये दोनों रियल नंबर्स जो थी -4 6, -4 इंक्लूड नहीं है मतलब इससे बड़े होने चाहिए, यहाँ से ओपन इंटरवल और 6 इंक्लूड है मतलब लेस देन आर इक्वल टू 6, 6 से 6 से लेस है, यहाँ से हम लगाएंगे क्लोज इंटरवल। जो पॉइंट इंक्लूड है वहां पे क्लोज और जो इंक्लूड नहीं है वहां पे ओपन, इस तरह से। इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या है? x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x सच दैट x बिलोंग्स टू r और आगे क्या दिया गया है, 3 से ग्रेटर है और 4 या 4 से लेस है, 3 या 3 से ग्रेटर है x, 4 या 4 से लेस है। इसका इंटरवल क्या आएगा? क्लोज इंटरवल आएगा, 3 भी इंक्लूड है 4 भी इंक्लूड है, मैं लिखूंगा 3 4, क्लोज इंटरवल मतलब 3 और 4 के बीच में सभी रियल नंबर्स और ये रियल नंबर्स भी इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर अब आया 7। 7 में हमारे पास इंटरवल्स दिए गए, उनकी सर्कुलर फॉर्म लिखनी है। जैसे -3 0 फर्स्ट पार्ट में -3 0 को सर्कुलर फॉर्म में कैसे लिखोगे? इसका मैं लिखूंगा इन सभी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर्स x हैं, x belongs to R, यहाँ पे x belongs to कोई दूसरा R ही रियल नंबर्स है, कोई इंटीजर्स या कोई आप नेचुरल नंबर्स नहीं ले सकते हो। तो -3 पे भी ओपन है, 0 पे भी ओपन है, इसका मतलब -3 से ग्रेटर है ये रियल नंबर्स और 0 से लेस है, ये बन गई इसकी। इसका सेकंड फोर्थ पार्ट आप खुद करो, मैं थर्ड पार्ट बताता हूँ। थर्ड में क्या दिया गया हमारे पास 6 12, यहाँ से ओपन यहाँ से क्लोज, इसका मतलब क्या होगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू r और 6 पे ओपन है, इसका मतलब 6 इंक्लूड नहीं है, 6 से ग्रेटर का लिख दूंगा x एंड ये है तो 12 या 12 से लेस, 12 पे आर क्लोज इन 12 तो लेस देन आर इक्वल टू 12, यानी कि 6 इंक्लूड नहीं, 6 से बड़े, 12 या 12 से छोटे सभी रियल नंबर्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? यूनिवर्सल सेट टू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स द सेट ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल्स। इनटू यूनिवर्सल सेट क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल्स का सेट इनका यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि ऑल ट्रायंगल सेट में से ही आइसोसेलस भी निकलेंगी, राइट ट्रायंगल्स भी निकलेंगी, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, कोई भी टाइप की इक्विलेटरल ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल्स यहीं से ही निकलेंगी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ही आ गया। और क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या करना है, ये सेट दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर द फॉलोइंग थ्री सेट, भी आप खुद देखोगे। हमने देखेंगे बेसिक सेट कौन सा है, यानी कि किस सेट के तीनों सबसेट आ रहे हैं, यहाँ से आप इन चारों में से देखोगे जिसके भी तीनों सबसेट आ रहे होंगे वो यूनिवर्सल सेट होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में शुरू करता हूँ, इसके बाद वेन डायग्राम्स पढ़ेंगे। वेन डायग्राम्स जॉन वेन एक इंग्लिश लॉजिशियन ने इन डायग्राम्स को बताया था, इसलिए उसके नाम पे इन डायग्राम्स का नाम वेन डायग्राम पड़ा। तो वेन डायग्राम हमें क्या बताते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स, सेट्स के बीच में रिलेशन बताती है हमें। वेन डायग्राम से हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन द सेट्स पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन द सेट, रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन द सेट्स, ये रिप्रेजेंट करती हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और जॉन वेन ने ये डायग्राम्स को पहले किया था, इसी के नाम पे इनका नाम वेन डायग्राम पड़ा। इसमें हमारे पास वेन डायग्राम कंसिस्ट ऑफ क्लोज्ड कर्व्स एंड
रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स और क्लोज कर्व से कंसिस्ट करती, क्लोज कर्व हम यूजुअली सर्कल्स लेते हैं, तो उसमें रेक्टेंगल को हम क्या लेंगे, रेक्टेंगल जो होता है ये यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट, और ये जो होते हैं क्लोज कर्व्स, इनसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसके आगे सबसेट्स। वेन डायग्राम हमेशा इसमें आपको दिखेगा यूनिवर्सल सेट ट्रायंगल रीजन, और बाकी जो क्लोज कर्व वो क्या होंगे, इसके सबसेट्स आएंगे। तो इनसे हम सेट्स के बीच का रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इलस्ट्रेशन के लिए मैं बता दूं, कोई भी हमारे पास लेट कोई यूनिवर्सल सेट दिया गया है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 सेट ए दिया गया, इसका आगे सबसेट है 2 3 एंड बी दिया गया हमारे पास 6 5 6, इसको वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वेन डायग्राम से इसको शो करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट, इसमें सभी एलिमेंट्स आएंगे। फिर आगे से ये दो सबसेट्स हैं, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3, सेट बी के अंदर है 5 6, इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आ रहा, तो इसलिए इन्हें अलग अलग बनाए नहीं है। तो अब देखो इसके एलिमेंट्स हैं 2 3, सेट ए के अंदर, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 5 6, इसके अलावा एलिमेंट्स 1 और 4 भी हैं, वो किसी भी सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। मैं 1 यहाँ पे लिखता हूँ, 4 यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये इस तरह से हमने ये वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट किया। देखो टोटल एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यूनिवर्सल सेट के अंदर है, उनमें से 2 3 जो है वो सेट ए के अंदर है, और 5 6 जो है इसके दूसरे सबसेट सेट बी के अंदर प्रेजेंट है। इन्फॉर्मेशन को हमने इस तरह से वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया। तो नेक्स्ट आएगा हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स के ऊपर ऑपरेशन पढ़ने हमने, तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में पहला ऑपरेशन आएगा यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन क्या होता है, ऑपरेशंस ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ेंगे, तो पहला ऑपरेशन हम पढ़ेंगे यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स, ऑफ सेट्स। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे यूनियन ऑपरेशन को, इट इज डिनोटेड बाय ये यू टाइप के सिंबल, इस टाइप के सिंबल के से हम इसको डिनोट करेंगे यूनियन ऑपरेशन को। और इसकी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल अगर दो यूनियन होता है क्या है, एग्जांपल से आप अच्छे से समझोगे। एग्जांपल लेट सेट ए, अगर हमारे पास कोई आर्बिट्री सेट लेता हूँ, यानी कि विदाउट एनी रूल मैं अपनी मर्जी से कोई सेट ले रहा हूँ, वो है हमारे पास 1 2 3 4 5, एंड सेट बी लेता हूँ, कोई दूसरा सेट बी लिया मैंने, ये है 2 3 5 7 11, प्राइम नंबर्स का सेट लिया लेस देन आर इक्वल टू 7, तो उस केस में ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यू बी, इसका मतलब हम इसको क्या पढ़ेंगे यूनियन ऑपरेशन। ए यूनियन बी में हमने क्या लेना है, ए यूनियन बी का भी एक सेट ही बनेगा, और वो सेट क्या होगा, उस सेट में हमने लेने सेट ए के सारे एलिमेंट्स, सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे, बट कॉमन एलिमेंट जो इन दोनों में होंगे वो एक ही बात लिखने। तो देखो ए यूनियन बी क्या होगा, यहाँ से हमने 1 लिया सेट ए का एलिमेंट, फिर उसके बाद 2 इन दोनों में कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखा, फिर यहाँ से इसका एलिमेंट 3 और यहाँ भी 3 कॉमन है ये भी लिख दिया, इसका एलिमेंट दिया 4, फिर उसके बाद 5 दोनों में कॉमन है वो एक ही बार लिखा, फिर उसके बाद इसका एलिमेंट खत्म हो गया, यहाँ से एलिमेंट 7 और यहाँ से आगे वाले से एलिमेंट 11, तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लेंगे इसमें और कॉमन एलिमेंट्स एक ही बार लिखने हैं, आया हमारे पास यूनियन ऑपरेशन। और यूनियन को वेन डायग्राम से अगर आप देखो प्रेजेंट करो तो ये यूनिवर्सल सेट आएगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर ये दो सबसेट इसके सेट ए और सेट बी, तो यहाँ पे हमारे पास सेट ए के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं 1 2
थ्री फोर फाइव सेवन एंड अलेवन, यू ये आएगा यूनियन। ये पूरा वाला जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन बी को। देखो सटे गई एलिमेंट्स वन टू थ्री फोर फाइव, सेट बी के एलिमेंट्स टू थ्री फाइव सेवन अलेवन, और ये वाले कॉमन एलिमेंट जो तो दोनों के कॉमन है, उस कॉमन पोर्शन में हम लिखेंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ तक ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। यूनियन ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे लिखूंगा, प्रॉपर्टीज आगे मिसलेनियस अगर आपने सॉल्व करनी तो उसके लिए यूज होती है, इन प्रॉपर्टीज का यूज होगा वहां पे। इसकी प्रॉपर्टीज भी लिखो, प्रॉपर्टीज यूनियन ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज क्या है, कि पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ये यूनियन ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, दैट इज ए यूनियन बी को आप बी यूनियन ए लिख सकते हो, दोनों की सेम आएगा, दोनों की जो सेट बनेगा वो यूनियन बी के सेट सेम होगा, ए यूनियन बी, बी यूनियन सेम आएगा। सेकेंड एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है यूनियन ऑपरेशन दो सेट्स के, तीन सेट्स के ऊपर, यानी कि ए यूनियन बी होल यूनियन सी किसके बराबर होता है, ए यूनियन होल बी यूनियन सी के बराबर लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद तीसरा लॉ क्या है, ये अब लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ए यूनियन फाई हमेशा ए के बराबर आएगा, एम की सेट के साथ किसी भी सेट के यूनियन करो तो वो सेट चेंज नहीं होते, इसको हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर उसके बाद फोर्थ इसका लॉ आएगा, किसी भी सेट का उसी के साथ यूनियन करो तो वही सेट रहेगा, इसको हम आइडियोपोटेंट लॉ कहते हैं। लॉ आ गया, और इसका पांचवा लॉ आप पढ़ोगे, यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ यूनियन करोगे तो वो यूनिवर्सल सेट के ही बराबर आएगा, ये क्या आएगा, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड ऑपरेशन इसका, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या आएगा, ऑपरेशन से दूसरा ऑपरेशन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। इंटरसेक्शन को किससे सिंबल से नोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय उसी जो यूनियन का जो सिंबल था उसी को 180 डिग्री से रोटेट करो, या यूनिवर्सल, सॉरी ये आया इंटरसेक्शन, यूनियन को 180 से रोटेट किया तो ये बन गया हमारे पास इंटरसेक्शन का सिंबल। तो इंटरसेक्शन होता है क्या, मैं वही दो एग्जांपल दूंगा जो मैंने यूनियन के लिए ली थी। लेट सेट ए मैंने लिया इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, एंड सेट बी इसके एलिमेंट्स लिए हमने 2 3 5 7 11। तो उस केस में इंटरसेक्शन सिंपली होता है क्या, कॉमन एलिमेंट जो इन दोनों सेट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आएगा हमारे पास इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखने, ये भी एक सेट ही आता है इंटरसेक्शन करके, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक तो 2, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद 5, ये तीनों कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स सेट होते हैं इंटरसेक्शन सेट। और इसी को ही वेन डायग्राम से आप डिनोट जब करोगे तो आपने कॉमन एलिमेंट्स वाला जो पोर्शन होगा वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, प्रॉपर्टीज क्या क्या होल्ड करता है, पहला कम्यूटेटिव लॉ ये होल्ड करेगा, पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। दूसरा एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, दैट इज
ए इंटरसेक्शन बी होल इंटरसेक्शन सी को आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर, ये लिख सकते हो। फिर इंटरसेक्शन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फाइ को किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो वो फाइ ही आएगा, जिसको हम कहेंगे लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। ये क्या आएगा, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, यहां से लिखो लॉ एम्प्टी सेट होल्ड करता है, यानी कि किसी भी सेट की इंटरसेक्शन आप एम्प्टी सेट से करो तो वो एम्प्टी सेट ही आएगा। और चौथा लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये क्या है, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करोगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो वो सेट वैसे ही रहेगा, सेट ए ही आता है। और उसके बाद इसका इंडिपेंडेंट लॉ भी होल्ड करता है, पांचवा सेट ए की सेट ए के साथ इंटरसेक्शन करके सेट ए ही आता है, इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ बोलेंगे। ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। और इसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन के बाद में इसका थर्ड ऑपरेशन हम पढ़ेंगे, वो होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। थर्ड ऑपरेशन क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस को डिफरेंस वाले सिंबल से माइनस सिंबल से हम डिनोट करते हैं, अलजेब्रिक सिंबल है वो। तो यही एग्जांपल लेता हूं मैं, लेट एग्जांपल लूंगा तो लेट सेट ए 1 2 3 4 5, अगर हमारे पास एक सेट दिया गया है एंड दूसरा सेट है बी, ये है 2 3 5 7 11 के बराबर, तो उस केस में इनका डिफरेंस क्या आएगा, ए माइनस बी, तो उसमें सेट ए के ही वो एलिमेंट्स लिखने जो सेट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, सेट ए के वो एलिमेंट्स लिखने जो बी के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। तो 1 देखो, 1 बी के अंदर प्रेजेंट है नहीं है, ये लिखेंगे। 2 प्रेजेंट है, ये नहीं लिखना है। 3 भी प्रेजेंट है बी के अंदर, नहीं लिखना है। 4 ये लिखेंगे, ये प्रेजेंट नहीं है। और 5 भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब डिफरेंस बी जो है इस आगे ए माइनस बी, और बी माइनस ए करना होगा तो हम क्या करेंगे, सेट बी के एलिमेंट्स लिखने जो ए के अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो देखो पहला एलिमेंट 2 चेक करता हूँ, 2 प्रेजेंट ही, ये नहीं लिखेंगे। 3 प्रेजेंट है, ये भी नहीं लिखेंगे। 5 प्रेजेंट है ए के अंदर, नहीं लिखेंगे। 7 नहीं है, एक एलिमेंट 7 और दूसरा एलिमेंट डिफरेंस ऑपरेशन। और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ डिजाइंट सेट्स, एक छोटी सी डेफिनेशन है डिजाइंट सेट्स क्या होते हैं। डिजाइंट सेट्स कोई भी दो सेट्स जिनका यूनियन सॉरी जिनके इंटरसेक्शन फाइव के बराबर आए, उस केस में उन सेट्स को क्या कहेंगे, डिजाइंट सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिजाइंट सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 के बराबर होना चाहिए, यानी कि उन सेट्स के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स और इवन नेचुरल नंबर्स हमेशा डिजाइंट आएंगे, उनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, तो डिजाइंट के ये कॉमन इंटरसेक्शन 5 के बराबर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, चाहे डिजाइंट सेट। तो नेक्स्ट इसी के बेसिस पे हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4।